मॉर्निंग, मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। इस वक्त हूँ श्रीलंका में, जगह का नाम है एला। तो जी, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग गए थे रावन वाटरफॉल देखने। आज हम जा रहे हैं आपको नाइन आर्क रेलवे ब्रिज दिखाने के लिए, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ से एला से लेके नोरेला के बीच की जो ट्रेन जर्नी है ना, लोग उसको स्पेशली करने के लिए आते हैं। तो जब आप होंगे श्रीलंका में, तो एला से लेके नोरेला के बीच की ट्रेन जर्नी करना मत भूलिएगा। ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। ये भी टॉय ट्रेन की तरह, जैसे आप चंडीगढ़ में शिमला और कालका के बीच में करते हैं, वैसे ही एला टू नोरेला ट्रेन से पहाड़ों के बीच में होते हुए आपको ये राइड करनी चाहिए। आज हम आपको नाइन आर्क ब्रिज दिखाएंगे। नाइन आर्क ब्रिज देखने के लिए आपको एला टाउन को क्रॉस करके करीब 3 किलोमीटर आगे जाना होगा, तब आप पहुंचेंगे नाइन आर्क ब्रिज। दुकानें खुलने की तैयारी में हैं, लोग सफाइयां ही कर रहे हैं अभी तक। तो वो बांस लगा हुआ है, लिखा प्राइवेट है। हाँ, दिस वे ओके। हाँ, छोटा सा रास्ता जा रहा है और है खूबसूरत। लेफ्ट आपने मैप लगाया हुआ है? नहीं नहीं, मैंने मैप नहीं लगाया हुआ। हाँ, क्या शानदार स्टीप है ये। ओए होए होए होए, ऐसे स्टीप पे मजा बढ़ाता है। हाय हाय हाय, ये उससे भी ज्यादा। चलो मैं उतर जाता हूँ, आप आराम से जाओ। चलिए, तो ग्रेविटी पुल्स उतर जाते हैं, डबल ग्रेविटी नहीं करेंगे दो लोगों के वेट से। और ऐसा ऐसा अगर कालका शिमला पे किया जाए तो भरे पड़े हैं यार। 4 लेवल आर्क ब्रिज है, लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज इन एशिया है। आप किस तरह फेमस कर दो पिक्चर। हाँ, और वहाँ की बहुत फेमस है हमारे चंडीगढ़ में, जो ट्रेन की पिक्चर्स है ना उस ब्रिज के ऊपर, वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। बस ये देखो, इन्होंने ये तरीका लगा दिया यार, श्रीलंका वाले कमाल है इस मामले में। तो हमने ऑटो वाले से पूछा, भाई ने बोला कि आप नीचे लेके जाओ और वहीं पर पार्क करना। ऐसी जगह मुझे दे दिया करो आप, मैं मास्टर हूँ इस मामले में। आ जाओ, मजा आ रहा है। ओए 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 ओए, बोल रही यहाँ पार्क करो। पार्किंग के लिए 50 रुपये चार्ज कर रहे थे। ये है रास्ता जो जा रहा है नीचे नाइन आर्क ब्रिज की लोकेशन तक। कच्चा ही रास्ता है, चलते चलते आपको ऐसे जाना होता है बस, है ना। अच्छी बात है कि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बना दी इन्होंने, और कुछ दिनों में बन भी जाएंगी कौन जानता है। इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं हमारे यहाँ पे। पर ऐसे रास्तों पे चलने में मज़ा ज़्यादा आता है। थोड़ा बारिश के टाइम पे स्लिपरी हो जाएगा, ये बात सच है, लेकिन ये नेचुरल जो तरीका है ना चलने का, ये अच्छा होता है ना। देखो ऐसे प्लेन सीढ़ियाँ, मतलब स्टेप्स, दैट्स नॉट करेक्ट वन। लीजिए, हम बहुत क्लोज हैं नाइन आर्क ब्रिज के। जल्दी आपको पहला व्यू दिखेगा नाइन आर्क ब्रिज। आर्क को हम बोलते हैं उर्दू में मेहराब। तो पुरानी उसमें हमारे वहाँ हिंदी में जो लिखा होता था ना, मेहराब लिखा होता था, जिसमें नो मेहराब है, नो ऐसे ऐसे आर्क है। यार कालका शिमला पे भी टिकट लगा दो तुम ट्रेन गुजरती हुई देखने के लिए। हिमाचल टूरिज्म, अच्छा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, श्रीलंका से सीख लो। टूरिस्ट आएंगे और सिर्फ ब्रिज देखने के लिए आएंगे, ब्रिज पे गुजरती हमारी जो ट्रेन्स है वो देखने के आएंगे। इनकी तो फ्रीक्वेंसी ट्रेन की बहुत कम है, हमारे वहाँ तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब देखने के लिए आएंगे। तो लगा दो, बनाओ टूरिस्ट पे, हिमाचल विल ग्रो। लो दोस्तों, पहुँच गए हैं नाइन आर्क ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और ये है ब्रिज। लोकल भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, फॉरनर्स भी हैं, और ये है रेलवे लाइन। अच्छा, ये नैरो गेज नहीं है, ये तो चौड़ी बड़ी वाली लाइन है, वाइड गेज कैटेगरी में आएगी।
एहला का फेमस नाइन आर्क ब्रिज फॉरेस्ट और टी प्लांटेशन के बीच में स्थित है। नाइन आर्क ब्रिज टूरिस्टों के बीच में बहुत पॉपुलर है। 1921 में इसे बनाया गया था। नो मेहराब वाला ये पुल जमीन से 25 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है और ये कैंडी और बंद्रावाला के ट्रेन रूट पर पड़ता है। पहली ट्रेन सुबह 8 बजे, दूसरी ट्रेन 9:15 बजे, तीसरी ट्रेन 11:30 बजे। टोटल 5 ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती हैं। इन ट्रेन का टाइम टेबल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस ब्रिज को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है इस ब्रिज के ऊपर से खड़े होकर के देखना। दूसरा, ब्रिज के आसपास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, आप वहां पर जाकर के भी इसे देख सकते हैं। कैसे जाएंगे नाइन आर्क ब्रिज? आप टुकटुक ले सकते हैं। किराया 200 से 300 रुपए तक हो सकता है। कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन तो यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। श्रीलंका में आजकल टूरिज्म पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए वजह से देखो यहाँ पे हर तरह के हर कंट्री के लोग नजर आते हैं। ज़्यादातर आपको रशियन नज़र आएंगे और ऐसी एक दो कंट्री और हैं वो दिखेंगे। लो जी, ये दूसरी साइड से एक और व्यू आपको देखने को मिल रहा है नाइन आर्क ब्रिज का। हम पहले उस तरफ थे, अब इस तरफ आ गया हूँ मैं चल करके। यहाँ पर कैफेटेरिया और सिटिंग स्पेस बनाया गया है कि यहाँ पर टुक टुक पे एक स्टॉप है। 9:15 का टाइम है जब यहाँ से ट्रेन इस ब्रिज से होकर के गुजरेगी और हम सब लोग इसी को शूट करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए कितने लोग हैं जो रोज सुबह जल्दी उठ करके यहाँ पहुँचते हैं। एक ट्रेन है जो सुबह 6 बजे निकलती है और दूसरी ट्रेन 9:15 के आसपास। इस एक शॉट को लेने के लिए, इस सीन को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, है ना। श्रीलंका टूरिज्म जिंदाबाद, कुछ भी बेच सकता है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर उसको क्लिक कर देना ऐसे ही बहुत सारे अपडेट आपके लिए आ जाएंगे वहाँ पर। करीब करीब 1 घंटा होने को आया, थोड़ी देर में आ जाएगी, बस 5-1 मिनट और लगने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ट्रेन लेट नहीं है तो। सब लोग लाइन लगा के खड़े हो गए ताकि देख सके कि ट्रेन जब पुल से गुजरेगी तो दिखेगी कैसे। आप देख रहे हो हर तरफ आवाज अब आनी शुरू हुई है, दिखी नहीं अभी तक। पुल पे सब लोग इकट्ठे खड़े हैं। कहते हैं इस पुल के ऊपर नीले रंग की ट्रेन जब गुजरती है ना तो बहुत खूबसूरत दिखती है। ये है ट्रेन। छोटा सा सीन था जिसको देखने के लिए सब लोग रुके हुए थे। काम ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम, सब लोग अब जाने लगे हैं वापस अपने अपने घर की तरफ। इतना ही तो था बस, देख रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। बिलाल रुकने एक फोटो ले रहे हैं। वो हो गया आ जा। तो जी मुझे लग रहा है कि आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। हम निकल रहे हैं मरीसा बीच जाने के लिए, लंबा सफ़र है पर आप साथ चलेंगे ना अगले एपिसोड में, तो बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट वहीं पर हम लोग ज़्यादातर देते हैं। तो उसको फॉलो करने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे सेम नाम कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और फेसबुक पर भी सेम नाम कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया के नाम से फॉलो कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वेबसाइट है campingtravelindia.com, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी है। ये पूरे जो मैं ट्रिप करता ना उसका पूरा जर्नी का डिटेल, एक्सपेंसेस, कौन सी जगह पर रुकने के लिए कौन सा होटल अच्छा है और टुक टुक कैसे हायर करते हैं, ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं अपनी स्पेस, अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। आपको बार बार वीडियो ओपन करके पूरा का पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये अच्छी चीज़ है। आपको मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट करनी चाहिए campingtravelindia.com।
पूरी सीरीज अगर आप देखना चाह रहे हैं ना श्रीलंका की, तो ये टॉप पे राइट साइड पे ऊपर यहाँ पर क्लिक करिएगा, पूरे सारे एपिसोड आप देख सकेंगे। और अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाह रहे हैं जिसमें हम लोग आपको रावण वाटरफॉल दिखा करके लाए थे, वो ये नीचे की तरफ है। तो बस यहाँ क्लिक करके आप दोनों में से कोई भी एपिसोड या पूरी सीरीज देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए।